और आपको एक ही वीडियो के अंदर ये बता दूंगा कि भाई जयपुर से चंडीगढ़ जाने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रास्ते कौन कौन से आते हैं, रूट कौन सा पकड़ना है। भाई विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कैसा लग रहा है नूडी? बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा। तो गाइस ये आ गए हमारे छोले भटूरे। अब हम आ गए हैं जैसे ट्रक पलटा हो पूरा पूरे गन्ने का, और वो भी दूसरी तरफ से पलटा है। ये है हमारी कार के अंदर के नज़ारे। तो भाई अब हम आए हैं डेरावासी हल्दीराम में। तो फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। तो मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आज हम आपको जयपुर के बाहर लेके जा रहे हैं। सो, हम जा रहे हैं चंडीगढ़ और अभी सुबह बज रही है सुबह के 6:15। बस अब हम निकल रहे हैं। कल रात को बारिश हुई है और अभी थोड़ी थोड़ी कोहरा है, तो प्लान तो था 6 बजे निकलने का, बट थोड़ा सा लेट हो गए। बस अब सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे हम अपना पेट्रोल डलवाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। बाकी सामान वगैरह ये रहा, ये हमने पैकिंग वगैरह कर ली है। मैं जा रहा हूँ, निशा जा रही है, श्रेयांश जा रहा है, पूजा जा रही है। हम चारों जा रहे हैं और रिधान भी जा रहा है हमारे साथ। बने रहिएगा वीडियो में और देखते हैं। अब हम कर रहे हैं पैकिंग, 6:30 बज चुकी है। इसको तो अभी करवा रहे टैंक फुल अपन। ये आ गई है 0 की रीडिंग और अब अभी बज गई है 7:20 और उसके बाद बस अब निकल रहे हैं। और काफ़ी ठंड है, मौसम देखिए कितना शानदार हो रहा है। तो गाइस टैंक फुल और अपना बिल बना है 3,006 रुपये का। तो गाइस पेट्रोल डलवा लिए हैं, अब हम चल रहे हैं। सो ये जैसे मैंने आपको बताया था, श्रेयांश, पूजा, अनीशा, रिधान, मैं, सो हम सब चल रहे हैं और सीधा अब निकलेंगे दिल्ली हाईवे की तरफ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ये झलाना कच्ची बस्ती की तरफ से, जवाहर नगर कच्ची बस्ती की तरफ से दिल्ली हाईवे हम पकड़ रहे हैं। अब अपन पहुंच चुके हैं दिल्ली हाईवे और दिल्ली हाईवे में अपन कनेक्टेड हैं। अब बज गई है सुबह के 7:45 और अभी श्रेयांश ड्राइव कर रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, ट्रस्ट मी। मौसम देखिए, मौसम देखिए गाइस, डेट देता हूँ 8:15 बज चुकी है और हम पहुँच चुके हैं अचरोल। अभी आना बाकी है कुकर्स वगैरह। आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है अभी, कांच बिल्कुल पैक्ड हो गए हैं हम। और पिछले साल इसी टाइम पे हम चंडीगढ़ गए थे, ऐसी कोहरे में पहुँचना था, कितने घंटे लेट हो गई थी पूजा? 8-10 घंटे, 8-10 घंटे बस लेट हो गई थी। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चंदवाजी और चंदवाजी में निम्स यूनिवर्सिटी के सामने ही है, तो निम्स यूनिवर्सिटी क्रॉस कर रहे हैं। गाइस कोहरा देखिए गाइस कितना ज़्यादा हो गया है, गाइस विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इसी के साथ हमारी स्पीड भी बहुत कम हो गई है। और अगर इतनी धीरे चलती रहेगी कार तो डेफिनेटली बहुत लेट हो जाएगी चंडीगढ़ के लिए। तो गाइस अब आ गए हैं हम अपने पहले टोल पे। मेरे टोल का नाम क्या है? पनौरपुरा। हाईवे किंग रह गया 7 किलोमीटर और बच गई है 9। अब पहला ब्रेक एक बार हाईवे किंग पे लेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर गाड़ी खींचते हैं। तो भाई जब अपने पहले स्टॉप पे अपन पहुंच चुके हैं होटल हाईवे किंग पे, यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर चलेंगे। और ठंड बहुत ज़बरदस्त है, नाक बंद हो गई है भाई वापस मेरी तो। कैसा लग रहा है नूडी? मस्त मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम, जुकाम हो रहा है जबकि इस तो। यहाँ पे हम जा रहे हैं और ये वाला टूर मैं बाइक के साथ कर रहा हूँ, ये पहली बार ही हम लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं, चारों एक साथ कर रहे हैं। ये आलू, वो आ गया पनीर, चाय आ गई हमारी और अभी आएंगे एक छोले भटूरे बाकी है ना।
तो गाइस ये आ गए हमारे छोले भटूरे। साइज देखिए, वाओ बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं। इसको भी अपन चिपेंगे। पराठा कैसा है? नहीं खाते हुए लगा मस्त। आलू का टमाटर कैसा लगा मुझे? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। गाइस बज गए 10:30। यहाँ से अब शाहजहाँपुर रह गया है 28 किलोमीटर और बवाल रह गया है 45 किलोमीटर के आसपास। क्या लेकर उड़ रहा है और क्या लेकर उड़ रहे हैं? आगे गई शाहजहाँपुर टोल। भैया शाहजहाँपुर टोल है नहीं? ये देखिए गई, ये वाला था फ्लाईओवर जिसमें से आपको डाइवर्जन मिलता था। फाइनली खुल गया है। जब हम नेशनल हाईवे 352 पे ज्वाइन करेंगे, अभी दिल्ली हाईवे चल रहे थे NH-58 पे, तो इसको एग्जिट कर देंगे हम। और बस अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर इसका एग्जिट है, आ ही गया। देखिए रोहतक, झज्जर, दिल्ली, हमें इसी रास्ते से उधर जाना है। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे पुलिया का काम चल रहा है, पुलिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो अभी साइड लेन से रास्ता दे रखा है, बट ये बिल्कुल खराब हो रखा है इस 352 वाले रूट पे। सो गाइस अब हम आ गए हैं झज्जर, और यहाँ से चंडीगढ़ पड़ता है 284 किलोमीटर, मतलब वही दिल्ली जितना रास्ता, 5 घंटे का। तो कैसा लग रहा है? कौन सा टोल है ये? गंगाचा चंडीगढ़ से है ना? होगा क्या करना है? रोहतक रह गया है 48 किलोमीटर दूर, और फिर उसके बाद हम NH-9 से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो जो रोड है वो काफी अच्छी है और अभी तक कोई चैलेंज नहीं है। बट हाँ ये है कि अगर आपको चाय पीनी है तो यहाँ पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोकल ढाबे ही है, कोई अच्छा होटल नहीं मिलेगा आपको। रैली तो गाइस जस्ट अभी हमने सैलानी पार किया है और झज्जर आने वाला है। रोड देखिए कितनी क्लास, अभी तक इस रोड पे टचवुड कोई चैलेंज नहीं आया है और बिल्कुल सही तरीके से चल रही है रोड। कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिवाय वो तो बाईपास अंडर पुलिया के जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट उसके अलावा रोड इज टोटली परफेक्ट। तो अगर आप इस रोड से आते हो तो आपको कोई भी चैलेंज बिल्कुल भी नहीं आने वाला है यहाँ पे। सो अब हम आ गए हैं 4 लेनिंग ऑफ रोहतक बवाल सेक्शन NH। पाठक अच्छी चीज आई है। हम रोहतक पहुँच रहे गए। वहाँ पे ढाबा 24 है। कट कर लेता पर। ओके है रॉयल ग्रीन फैमिली ढाबा पे, कम से कम 1.5-2 घंटे बाद रुके। ये रही अपनी गाड़ी, मिट्टी में झक हो रही है पूरी। देखते हैं क्या खाना वगैरह कुछ अगर खाते हैं तो। चाय वगैरह है? चाय पियेंगे सिर्फ। तीन चाय दे दो। हाँ कितने की चाय? 15 की। एक अच्छी बनाइएगा, 3 चाय बिल्कुल 1 नंबर। ठीक है जी। हाँ ये डॉग्स को खाना खिलाते हुए। तो गाइस अब हम चाय पी के वहाँ से निकल चुके हैं और अब जो चंडीगढ़ बचा है 240 किलोमीटर बचा है, 236 के आसपास बचा है। तो ये होने वाला है 5 घंटे, नेक्स्ट 5 आवर्स।
जिसको हम कवर करते रहेंगे, और आपको एक ही वीडियो के अंदर ये बता दूंगा कि भाई जयपुर से चंडीगढ़ जाने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रास्ते कौन कौन जाते हैं, रूट कौन सा पकड़ना है। और अभी बज रही है 1:38 हो रही है, 1:40 हो गई, और हिसार यहाँ से 90 किलोमीटर। पूछना कौन सा है ना, मुझे कौन सा टोन है, कौन सा टोन है? बगीना बदीना पुनो नीचे थे। हाँ, सो मुंडाल, और अब ये कह रही है एग्जिट लेने के। ओके, एक मिनट बेटा, एक ले लेते हैं हम यहाँ से। जिंद की तरफ लेंगे अब हम, जिंद जा रही है ना चंडीगढ़ की गाड़ी। अब हम पहुंच चुके हैं बास, और अभी बज रही है 2:20। तो बास पहुंच गए ना रिदान? रिदान भी पहुंच गए। तो अभी गांव है एक तरीके का, फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा गांव आता है या फिर कौन सा शहर आता है, वो हम आपको आगे कवर करते रहेंगे। बट प्लीज़ वीडियो बने रहिएगा, और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। तो ये एक और आ गया एक्सप्रेस 709 का टोल। कैश है, पूछे कैश दिए। अब गाइस ये पहला बोर्ड है जिसमें लिखा है चंडीगढ़ 177 किलोमीटर, जबकि गूगल बता रहा है 159, करनाल 87 किलोमीटर। तो नियरली 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। ये गाइस अब हम आ गए बिल्कुल मेन सिटी के अंदर, और यहाँ से चंडीगढ़ दिखा रहा है 183। ये बढ़ाते ही जा रहा है डिस्टेंस, बट गूगल कम करता जा रहा है। तो गाइस अभी हम जिन कैथल रोड पे हैं, लेकिन ये मेरे को सूटेबल नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे एक तो रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो अगर आपको कोई और रूट पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी हम आए तो कौन सा रूट पकड़ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये अभी भी गाइस हम उसी रोड पे चल रहे हैं, और अभी यहाँ से अंबाला होता है 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और चंडीगढ़ है 144 किलोमीटर। खैरतल है यहाँ से 12 किलोमीटर। भैया चंडीगढ़ के लिए उधर से आते हैं, हाईवे से आते हैं ना, तो ये है हाईवे। अब ये फाइनली हाईवे पकड़ा है हमने। ये देखिए कैसे ट्रक पलटा हो, पूरे गन्ने का। ओ शिट यार, और वो भी दूसरी तरफ से पलटा है। चलो किसी को लगी नहीं। तो ये गाइस अब एक टोल आ गया है, हाइवे अपन ने काफी दूर तक कंप्लीट कर लिया है, बचा है 113 किलोमीटर, बच गई है 458। और अभी देखते हैं, पूछते हैं कि टोल कौन सा है। भैया कौन सा टोल है ये, था ना? गाइस अब अंबाला रह गया है सिर्फ 54 किलोमीटर, और बिल्कुल सीधे चलना है अपन को। शाम के बज गई है 5:05 हो गई है, और हमारी स्पीड काफी सही है, और अभी ब्रेक भी नहीं ले रहे और रेगुलर चल रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा डिस्टेंस जल्दी कवर कर लिया। तो गाइस बच गई है 5:35, और चंडीगढ़ अब बचा है 72 किलोमीटर दूर। सो 1.25 घंटा और फिर हम चंडीगढ़ होंगे। ये देखिए पीछे के हाल। अनिशा कैसा चल रहा है? अरे बस थक गए आज काफ़ी लंबा सफर हो गया। कितने बजे निकले थे? सात पंद्रह पे निकले थे, और वही 7 बजे वाली 12-13 घंटे का सफ़र हो जाएगा, वही हरिद्वार वाला जो आपने लास्ट टाइम देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, और दूसरा आई बटन में भी दे दूंगा, तो वो देख सकते हैं। जयपुर टू उत्तराखंड वाली सीरीज़ बनाई थी हमने, वो भी बहुत अच्छा ट्रिप था यार, मज़ा आ गया था।
सो होप आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सो फाइनली गाइस एक रेस्टोरेंट मिला इस पूरे हाईवे पे जिस पे आप रुक सकते हैं, वो भी खाली सुन बटा सन्नाटा लग रहा है। सो अभी हम है गोत्रा फार्म्स एंड रेस्टोरेंट पे। ऑर्डर करी है 3 चाय, 1 मिक्स पकौड़ा, 1 प्लेट। सो गाइस बज गई है 6:30 शाम के और हमने वहाँ पे चाय पी और पकौड़े वगैरह खाए। सो पकौड़े वॉज ओके ओके, चाय वॉज ओके ओके। ये है हमारी कार के अंदर के नज़ारे। सो अब हम आ गए हैं अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस पे। हाँ अब चंडीगढ़ अब कोई नहीं रोक सकता हमें। और 22 बज गई है 6:46। सो गाइस अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे का टोल है, बूथ है। अब इस पे देखते हैं इस पे कितना चार्ज कट रहा है। अभी तक तो ओवरऑल 600 रुपए का चार्ज कट चुका है, मतलब इसके एक्सक्लूडिंग बता रहा हूँ मैं। तो गाइस अब हम आए, एक हॉल्ट लिया हमने क्योंकि जितना डिसअपॉइंटमेंट इस हाईवे ने दिया हमें कुछ भी नहीं मिला हमको, तो इसलिए अब हम आए हल्दीराम। तो गाइस अब हम आए हैं डेरावासी हल्दीराम पे। ये है अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे के बीच में और बहुत अच्छा एम्बियंस है, मतलब नीट एंड टाइडी। ये यहाँ पे अड्डा, ये हल्दीराम से है, वहाँ पे है निक बेकर्स। सो आइए चलो आओ, चलो अंदर आओ, देखिए अंदर का एम्बियंस देखते हैं। एम्बियंस देखिए कितना अच्छा है, ये यहाँ पे सारी स्वीट्स हैं इनकी और यहाँ पे आपका सारा केटरिंग होता है, मतलब फूड वगैरह जो भी ऑर्डर देते हो आप। और ऑर्डर इसके अंदर मैनुअल नहीं है, इसमें आपके टेबल पे ये QR कोड दे रखा ही है, आप इसको स्कैन करिए और फिर ऑर्डर दीजिए और फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा इफ़ योर ऑर्डर गेट्स रेडी। लेकिन एम्बियंस इज़ सरप्राइजिंगली अमेजिंग। गाइस ये है गार्लिक नान और एक्स्ट्रा प्याज, ये हैं, ये है दाल मखानी और ये तंदूरी रोटी। तो दो थोड़ा सा कॉस्टली है, तंदूरी रोटी 38 रुपये की है विदाउट बटर और विद बटर 55 रुपये की है, ये 105 रुपये का है। तो फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और अभी हम चंडीगढ़ नहीं रुके क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर होटल काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। तो अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे जो है उस पर हम रुके हैं 4x0 उसके अंदर और ये बहुत ही औसम होटल लगा हमको और इसका एम्बियंस मैं आपको दिखाता हूँ और आपको भी मज़ा आएगा देखकर। तो आइए चलिए चलते हैं, ये देखिए गाइस। सो ये है इनका एम्बियंस, सब नीट एंड टाइडी। सो बहुत ही खूबसूरत होटल है गाइस और सामने लिया है क्लासिक और हमने लिए 2 रूम आप क्योंकि शांस और पूजा और मेन अनिशा और रिधान भी लेगा। ये देखिए यह ड्रेसिंग और साथ ही साथ वॉशरूम एरिया पूरा। ये आपके अलमीरा और ये बेड और रूम का साइज देखिए, इट्स जस्ट फॉर 3000 गाइस, इससे बेटर डील ओनली मिल सकता। होपफुली गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी पर्सपेक्टिव से, जयपुर से चंडीगढ़ अगर आप आ रहे हैं तो आपको कहाँ कौन सा रूट पकड़ना है और कहाँ कहाँ आना है और होटल के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। सो ये मैंने पूरा कोशिश करी है, ये 12 घंटे जो मैंने ड्राइव करे हैं इसमें आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है। सो प्लीज़ इस एफर्ट को थोड़ा सा कंसिडर करके और हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आज का व्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड और कल सुबह हम निकल रहे हैं शिमला और कल सुबह शुरुआत करेंगे और उस व्लॉग को पूरा दिखाऊंगा मैं आपको। अभी बज रही है 10 और थोड़ा सोना है, रेस्ट करना है, जल्दी उठना है। तो थैंक यू, बाय बाय और सुबह मिलते हैं।
बाय।